उनके जैसा राष्ट्रपति मिलना मुश्किल। एक बार अपने सेक्रेटरी के साथ वो कहीं जाते, तब आज जैसा सुरक्षा प्रबंध नहीं होता था, आज जैसी बात नहीं थी कि आ तो छोटे छोटे मंत्री दो चार सिपाही लेकर चलते हैं, भय है। छोटे छोटे नेता चाहते हैं हमारे पास सुरक्षा गार्ड हो, अरे नेता तो दूर, आज तक आज तो यह दिशा हो गई है, अब साधु लोग भी बॉडी गार्ड लेकर चल रहे हैं, डूबा हुआ है ऐसे लोग। साधु बॉडी गार्ड लेकर क्या जरूरत है, साधु कम है नेता ज्यादा है, साधु का आवश्यकता नहीं होती, साधु का कौन सा दुश्मन होगा भाई, तो बॉडी गार्ड लेकर चल रहे हो। लेकिन नहीं, स्टेटस हमारा होना चाहिए कि हम बड़े साधु हैं, जितने स्टेटस बढ़ाओगे उतना गिरोगे नीचे। जब किसी के लिए अमुक के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, बात अब्राहम लिंकन की चल रही थी, उस समय उनके साथ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था, केवल उनका सेक्रेटरी चाहे था, कहीं जा रहे थे, सामने तरफ से एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर सिर पर लिए आ रहा था। लकड़हारा पहचान तथा लिंकन को राष्ट्रपति हमारे हैं, तो जब नजदीक आए तो लकड़हारा ने लकड़ी का गट्ठर उतारा और सिर पर जो कुछ पगड़ी और बांधे थे उसको उतार कर निकाल करके झुक करके लिंकन को नमस्कार किया। उस लकड़हारे को नमस्कार करते देखकर लिंकन ने भी अपना हैट उतारा सिर से टोपी और वैसे झुककर अभिवादन किया, नमस्कार किया। लिंकन आगे बढ़ गए, लकड़हारा अपने रास्ते पर चला गया। जब कुछ दूर आगे गए दोनों, तो लिंकन के सेक्रेटरी ने लिंकन से कहा, हुजूर आप हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, और आप देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, आपको एक लकड़हारा के सामने ऐसे झुक करके नमस्कार करना आपकी शोभा और मर्यादा के विपरीत है। अरे तो लकड़हारा था सामान्य आदमी, वो ऐसे झुक करके अपनी टोपी अपने पगड़ी उतार कर नमस्कार किए, वो तो उनको चाहिए था, लेकिन आप अपना हेड उतार कर अपने का नमस्कार कैसे झुक करके आपकी शोभा आपके मर्यादा विपरीत है। तो लिंकन ने गजब उत्तर दिया। लिंकन ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि अमेरिका का राष्ट्रपति नमस्कार करने के मामले में एक लकड़हारा से भी पीछे रह जाए। कितनी बड़ी उदारता उनकी, यही तो महानता है, ये ऐसे जो गुण होते हैं वही तो व्यक्ति को महान बनाता है। जीवन का मालिक, क्षुब्ध न होना, विचलित न होना, प्रतिक्रिया में न पड़ना, निंदा करने वाले के लिए भले मुख से हम आदर के शब्द न कह पाए लेकिन अंदर से उसके लिए कल्याण कामना होना, अपमान करने वाले का सम्मान बाहर से भले न कर पाए, उचित तो यह है उनका हम सम्मान कर लें लेकिन न कर पाए, फिर भी भीतर से उसके लिए सम्मान का भाव होना, कल्याण कामना होना। जो बैर कर रहा है, हमसे बैर विरोध का व्यवहार करता है, उसके लिए भी मन में कल्याण कामना होना, हित कामना होना, यह अपना मालिक होना है, और यही वास्तविक बड़प्पन है। ठीक है, वो हमारे साथ बैर का व्यवहार करता है, हमारे लिए बैर भाव रखता है,
किसी कारणवश, चाहे हमारी गलती के